दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन WWE सुपरस्टार्स के बारे में जिन्हें चोटिल होने की वजह से टाइटल को छोड़ना पड़ा। नंबर तीन पर है सेथ रोलिंस। साल 2015 में डबलिन में हुए एक WWE लाइव इवेंट के दौरान सेथ रोलिंस को ACL इंजरी हो गई थी। रोलिंस की यह इंजरी काफी गंभीर थी और इस वजह से उन्हें अपना WWE टाइटल छोड़ना पड़ा। नंबर दो पर है फिन बेलर। फिन बेलर SummerSlam 2016 में सेथ रोलिंस को हराकर WWE के पहले यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। हालांकि इस मैच के दौरान बेलर को शोल्डर इंजरी हो गई थी। इस इंजरी की वजह से बेलर 6 महीने से ज्यादा समय तक एक्शन में दिखाई नहीं दे सकते थे। यही वजह है कि फिन बेलर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने के अगले दिन मंडे नाइट रो में ही अपना टाइटल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। नंबर एक पर है समोआ जो। WWE सुपरस्टार समोआ जो ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह इंजरी की वजह से अपना NXT टाइटल छोड़ रहे हैं। समोआ जो 3 बार के NXT चैंपियन रह चुके हैं और उन्होंने अपना तीसरा टाइटल कैरियन क्रॉस को हराकर जीता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती।